वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी एक प्रोडक्ट की जो है फ्रूट ऑफ द अर्थ फेस पैक। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है या फिर सेंसिटिव स्किन है और पूरे फेस पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप फेस पैक को जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये फेस पैक इसमें नीम है एंड रोजमेरी है। ये सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए है लेकिन ऑयली स्किन पीपल जरूर इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑयली स्किन में ज्यादातर पिंपल और एक्ने के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप लोग इसे एज अ फेस पैक भी नहीं यूज करना चाहते तो आप सिर्फ इसे स्पॉट करेक्टिंग फेस पैक की तरह भी यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले सिर्फ अपने जहां पर पिंपल्स है या फिर पिंपल मार्क्स है या फिर जहां पर आपको पेन हो रहा है वहां से पिंपल निकलने की संभावना है तो वहां पर जस्ट इसको थोड़ा सा स्पॉट की तरह अप्लाई कीजिए और उसके बाद सूखने पर रात को सो जाइए। तो सुबह क्या होगा, आपके जो पिंपल है वो बहुत ही कम और रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो पिंपल का पेन है वो भी कम हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक फेस पैक है और इसमें कोई एडेड सल्फेट कोई एडेड पैराबेन नहीं है तो आप लोग जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं। टीनेजर्स के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा हाई रेटेड प्रोडक्ट है तो एक्ने ज्यादा होने पर इसे आप इस्तेमाल करें तो ही बेहतर है। टीनेजर्स के लिए शायद ये उतना सूट नहीं करेगा। तो अगर आप टीनेज में नहीं पड़ते तो उसके बाद आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 270 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट की। ये एक मोदी केयर ब्रांड का फेस पैक है। जैसे ऑरिफ्लेम होता है वैसे ही मोदी केयर, इनके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो अगर आपके मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये सप्लाई किया है, अगर आपके भी कोई फ्रेंड है जो मोदी केयर के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो आप उनसे परचेज जरूर कर सकते हैं। इसमें मंथली ऑफर्स भी चलते हैं और ये जो फेस पैक है ये मैं पर्सनली यूज करती हूँ और मुझे काफी इससे हेल्प हुआ है। मेरी भी टी जोन बहुत ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है और कभी कभी सेंसिटिव बन जाती है पोल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, और पिंपल या एक्ने अगर मैं ब्रेकआउट करती हूँ तो वो हो जाता है। तो उसके ऊपर जस्ट मैं स्पॉट की तरह अगर अप्लाई करती हूँ तो सुबह उठकर मेरा जो पिंपल है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है और जल्दी से वो ठीक भी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग इसे जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट इसे यूज करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें बिकॉज ये एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली बिल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन पैच टेस्ट इज अ मस्ट। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 12/2018 और एक्सपायर करेगा ये 2020 को। आप चाहे तो इसे होल फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करें और अप्लाई करने के 10 मिनट बाद ही उसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद कोई भी टोनर अप्लाई कीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइज कीजिए अपने फेस को। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए जो पिंपल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है तो ये आपकी स्किन को ज्यादातर ड्राई बना देगा। तो उसके बाद जरूर थोड़ा सा लाइट मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करें तो ही बेहतर है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और आज के वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे जरूर दबाइए। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय बाय।